हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम सुनिलTechnical। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा जनरल टर्म एंड मिलिट्री टर्म का क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को जल्दी देखिए, पूरा देखिए, स्किप ना करिए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। एग्जाम आने वाली पास में तो तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जनरल टर्म मिडिल टर्म का, बीसीए सेकंड ईयर डीएम डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास टर्म दे रखी है ए थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन स्क्वायर में सिक्स, थ्री एक्स माइनस फोर अपॉन सिक्स। तो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे टी आर प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको कल बताया था। इसमें माइनस दे रखा है तो इसका माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसका माइनस वाला फॉर्मूला क्या था उसमें इसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो इसका माइनस वाला फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया इसका, देन एन सी आर एक्स एन माइनस आर एन वाई आर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करना है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये टी आर प्लस वन देन माइनस वन आर आ गया, देन एन क्या है यहाँ पे सिक्स सी आर, ये एन होता है, इसको एन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एन यहाँ पर सिक्स आ गया। फॉर्मूले में जो दे रखा है, फॉर्मूले की तरीके से हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन की जो वैल्यू दे रखी है फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए थ्री एक्स, एक्स क्या है हमारे पास थ्री एक्स, ये हमारे पास थ्री एक्स, देन ब्रैकेट बंद सिक्स माइनस आर, यहाँ पर n माइनस आर तो n क्या है सिक्स, तो सिक्स माइनस आर, देन उसके बाद y r, तो y क्या है फोर फोर और r। देखिए ये थ्री एक्स यहाँ पर आ गया, सिक्स माइनस आर सिक्स माइनस आर, एंड y ये होता है y और r, ठीक है। सो गाइस, इसमें जनरल टर्म कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हम यूज करेंगे मिडिल टर्म का, ठीक है। जनरल टर्म हो गई कंप्लीट, मिडिल टर्म का यूज करेंगे। तो ये जनरल टर्म कंप्लीट हो गई है, मिडिल टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो n इक्वल इवन नंबर ऑफ टर्म और मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताया था, एन अपॉन टू प्लस वन टी एच। देन फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट करेंगे, एन क्या है हमारे पास सिक्स अपॉन में टू और प्लस वन, तो इक्वल में हमारे पास आ गया फोर फोर टर्म, तो ये हो गया फोर, ठीक है। सो गाइस, इसकी ये टर्म आ गई, फोर टर्म आ गई। तो इसकी फोर टर्म कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए फोर टर्म इसको हमें निकालना है टी फोर, तो टी फोर है तो हमें यहाँ पर टी थ्री लिखना है। यहाँ पर अगर टी फाइव होता तो हमें टी फोर लिखते, टी सिक्स होता तो हम टी फाइव लिखते, इसलिए टी फोर है तो यहाँ पर टी टी थ्री प्लस वन देन इक्वल वन माइनस वन सिक्स सी थ्री, देन थ्री एक्स सिक्स माइनस थ्री देन फोर थ्री। ये जनरल टर्म का जो फॉर्मूला था उसके अंदर पुट कर दिया इसको, ठीक है। देन इसको दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। ये मिडिल टर्म जनरल टर्म निकल गए, उसके बाद इसको सॉल्व करना है कंप्लीट। फोर्थ टर्म निकली इसकी, फोर्थ टर्म निकली तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ठीक है फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, सब कुछ वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद हमें इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पर आ गया माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स क्यू एंड फोर क्यू, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ माइनस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी सेवन इंटू सिक्सटी फोर एक्स क्यू, देन वन सेवन जीरो एट, ये हो गया इसका आंसर। स्टार्टिंग से देख लीजिए वापस, ये जनरल टर्म मिड टर्म का क्वेश्चन दे रखा है, ये जनरल टर्म का क्वेश्चन था, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने रखा, फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट की, उसके बाद इवन ऑड का जो
मिडिल टर्म यूज की, देन मिडिल टर्म यूज करके फोर्थ टर्म निकली इसकी। फोर्थ टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, फोर्थ टर्म के लिए टी थ्री प्लस वन यूज में लिया और ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट की और ये कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास और आंसर इसका आ गया। ठीक है, सो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इजी तरीका है बिल्कुल, ठीक है, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया आपको एक एक चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। बाय बाय।